हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका, अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे मैंने पोहे और आलू से बनाए हैं। ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में बनाकर रख सकते हैं, या जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उन्हें भी बनाकर ये खिला सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से एक कप पोहा लिया है। यहाँ मैंने मीडियम वाला पोहा लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोहे को एक बाउल में डालेंगे और 2-3 बार इसे हम पानी से वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हम पोहे को 2-3 बार पानी से वॉश कर देंगे। इसका पानी हम अब हटा देंगे और दूसरे पानी से इसे वॉश करेंगे। मैंने पोहे को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच सूजी। आप यहाँ पर बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इस तरह से हम अजवाइन को हल्का सा क्रश करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। ये नाश्ता झटपट बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी बनाकर रख सकते हैं। अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए और पोहे भी पूरे पानी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। अब हम एक पैन में 2 चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। अब तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब भी राई को तेल में डालें तो राई को अच्छी तरह से चटकने दें। यदि आप राई को अच्छी तरह से नहीं चटकने देंगे तो इसका टेस्ट खाने में कड़वा लगेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। अब आप देख सकते हैं राई अच्छी तरह से चटक गई है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा। जीरा को अच्छे से भूनने देंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सौंफ का जब हम इस स्टफिंग के अंदर ये सौंफ डालते हैं, तो सौंफ को भी हल्का सा हम भूनने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और थोड़ी देर के लिए इसे चलाते हुए पका लेंगे, ताकि जो अदरक के अंदर का कच्चापन है वो चला जाए। अब अदरक भी अच्छे से पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्ची की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और यदि आप ये नाश्ता स्पेशल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। जब आप घर पर एक जैसा नाश्ता खा खा कर बोर हो जाएं तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब मिर्ची भी अच्छे से पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हल्का सा पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप हरी मटर। आप यहाँ पर फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। मटर भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है आप देख सकते हैं, तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर। मसाले को हम चलाते हुए हल्का सा पका लेंगे, ताकि जो मसाले के अंदर का कच्चापन हो वो चला जाए। मसाले भी अच्छे से पक गए हैं, मैंने मसाले को चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 आलू। मैंने यहाँ पर 2 उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने अपने हाथों से मैश कर लिया है, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से पूरे मसाले में मिलाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, या नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे और इस तरह से आलू को हम चम्मच की सहायता से मैश करते रहेंगे, ताकि इसके अंदर बड़े टुकड़े बिल्कुल भी ना रहें। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर चला जाए। 2-3 मिनट हो गए हैं, मैंने स्टफिंग को इस तरह से चलाते हुए पका लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चाट मसाला डालने से स्टफिंग का टेस्ट। 1/4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। आप यहाँ पर नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिला देंगे। स्टफिंग बनकर तैयार है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिला देंगे। अब हम स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। 10 मिनट हो गए हैं तो ढक्कन को हम हटा देंगे और जो ये पोहे और सूजी है ये भी अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो हम अपने हाथों की सहायता से इस तरह से इसे मस लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे डो की तरह तैयार करेंगे। पानी डालने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये इजी से बाइंड हो रहा है, ये देखिए। यदि ये बाइंड करते समय आपके हाथों में चिपकता है तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और हाथों को ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने इसे डो की तरह तैयार कर लिया है, तो अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। अब हम अपने हाथों में थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, इस तरह से इसे हम सिलेंडर शेप दे देंगे
और इस तरह के हम इसे रोल बनाकर रख लेंगे ताकि ये नाश्ता बनाने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से मैंने इसके सारे रोल बनाकर रख लिए हैं। अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, जितना बड़ा हमको ये नाश्ता बनाना है। इस तरह से हम इसे चपटा करेंगे अपने हाथों की सहायता से। और अब जो हमने स्टफिंग का रोल बना के रखा था, ये देखिए, इसे हम इसके अंदर कवर करेंगे और हल्का सा अंदर प्रेस करते हुए हम इस तरह से इसे कोट कर देंगे। ध्यान रहे, स्टफिंग बाहर नहीं दिखना चाहिए, तो इस तरह से इसे आप दबाते रहिए। हल्के हल्के हाथों से अंदर प्रेस करते जाइए और इसको पैक अच्छे से करिए। ये देखिए, इस तरह से स्टफिंग नहीं दिखनी चाहिए। हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो आपको शेप पसंद हो। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे सिलेंडर शेप देना है। तो इसी तरह से हम सारा नाश्ता बनाकर रख लेंगे। और ये नाश्ता खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, जो हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग कर रहे हैं, इससे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इस नाश्ते को जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उन्हें भी बनाकर खिला सकते हैं। और जब आप उन्हें बनाकर खिलाएंगे तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इसे कैसे बनाया। मैंने सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। नाश्ते को फ्राई करने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। ये नाश्ता फ्राई करने के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। तो अब हम नाश्ते को उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। यदि तेल अच्छी तरह से गर्म नहीं होगा तो ये नाश्ता तलते समय खुल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। तेल को अच्छी तरह से गर्म करिए, उसके बाद ही इस नाश्ते को इसके अंदर डालें। एक बार में जितना नाश्ता कढ़ाई में आ जाएगा हम उतना डाल देंगे, एक साथ ढेर सारे भी ना डालें। अब हम इन्हें हल्का सा पहले फ्राई होने देंगे, उसके बाद हम इसे चम्मच से पलटेंगे। इसे तुरंत तेल में डालने के बाद चम्मच बिल्कुल भी ना लगाएं और गैस के फ्लेम को लो मीडियम ही करते रहें। अब ये हल्का सा फ्राई हो गया है तो हम इस तरह से इसे पलट देंगे। अब हम इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई होने देंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, ये देखिए। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ी देर कढ़ाई पे रोक के रखेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई के अंदर ही चला जाए। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और मैंने सारे नाश्ते को फ्राई कर लिया है। तो गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे और इन्हें अब हम सर्व करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी पोहे और सूजी का ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में बहुत आसान है। अब मैं एक नाश्ता उठाकर आपको बताती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ये देखिए, इसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। और जो हमने इसके अंदर आलू की स्टफिंग करी है उससे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब मैं इसे एक तोड़ के बताती हूँ। वाओ, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।